हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे एलॉयस। एलॉयस होते हैं होमोजेनियस मिक्सचर दो मेटल्स का, या नॉन मेटल भी हो सकता है, जो कि जो एक एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट मेटल या एलिमेंट है, उसको ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी देता है, ज़्यादा मजबूती देता है, रिएक्शन कम होते हैं उसके आगे। ठीक है, तो ये इसके सवाल ही बहुत सारे आते हैं एग्ज़ाम में। तो इसमें पहले लेंगे हम ब्रास। ब्रास जो है, पहले हम कॉपर की एलॉयज लेंगे। क्या है कॉपर की एलॉय? ब्रास कॉपर और जिंक से बना था, जिसे हम पीतल भी कहते हैं। और ये यूज़ होता है बर्तन बनाने में, मशीन के पार्ट्स बनते हैं इससे, पीतल से ऑर्नामेंट्स बनते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं। जैसे कि ये मेरे पास एक ये दिया है, ये ब्रास का बना हुआ है। ठीक है, कॉपर और जिंक का है ये एलॉय। तो इसमें ज़्यादा कॉपर से ज़्यादा इसमें मजबूती है, और जिंक से, जिंक में जैसे बहुत इजीली रिएक्ट हो जाता है, तो ये रिएक्ट नहीं होता इतनी जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास जो एलॉय आता है वो है ब्रोंज। ब्रोंज होता है कॉपर और टिन का। ठीक है, ब्रोंज जो होता है वो हमने उसमें पढ़ा भी है, ब्रोंज मेडल होता है, वो ब्रोंज मेडल दिया जाता है। ठीक है, बेल्स बनती हैं इससे, ऑर्नामेंट्स बनते हैं इसमें, टिन ऐड किया जाता है। अभी मेरे पास एक बेल पड़ी है, ठीक है, ये ब्रॉन्ज की बनी हुई बेल है, ये थोड़ा काला होता है देखने में, थोड़ा सा ब्लैक कलर आता है इसमें टिन की वजह से। ठीक है, कॉइन्स बनते हैं इससे, ब्रॉन्ज से कुछ यूटेंसिल्स भी बनते हैं। तो ब्रॉन्ज कॉपर और टिन के अलॉय है, ब्रास कॉपर और जिंक के अलॉय है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक और निकल, कॉपर जिंक और निकल की होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोपेटिंग में यूज़ होता है, सिल्वर वेयर में यूज़ होता है। इसके जर्मन सिल्वर की खास बात ये होती है कि इससे ब्लेड्स बनते हैं। इसी रेजर है, इसकी जो ब्लेड्स हैं बहुत शार्प होता है जर्मन सिल्वर। ठीक है, ये ब्लेड्स बनाने के काम आते हैं, जैसे मशीन मिक्सर के ब्लेड होते हैं या कोई कटर चॉपर के ब्लेड जर्मन सिल्वर से बने होते हैं, सिल्वर नहीं होता है इसमें, कॉपर जिंक और निकल होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टर्लिंग सिल्वर। स्टर्लिंग सिल्वर की ज्वेलरी आजकल बहुत फेमस होती है मार्केट में। ये मेरे पास दो ईयरिंग्स पड़े हैं स्टर्लिंग सिल्वर के हैं, ये दोनों ईयरिंग, ये भी कॉपर और सिल्वर के होते हैं, इसमें सिल्वर होता है। ठीक है, ये दो ईयरिंग्स हैं, ये स्टर्लिंग सिल्वर के होते हैं, ज्वेलरी के लिए काम आता है, और सिल्वर वेयर सिल्वर के बर्तन जो होते हैं ना, उनके बनाने के काम आता है ये जर्मन सिल्वर। नेक्स्ट लेते हैं हम एलॉयस ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन के एलॉयस में हमारा स्टील आता है। स्टील हमारे पास कार्बन और आयरन से बना होता है। ठीक है, नॉर्मल स्टील जो होता है, जो यूज़ होता है बर्तन बनाने में, कार्बन और इससे बना होता है। इसमें थोड़ा सा ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, जैसे आयरन हर उससे खट्टी चीज़ों से रिएक्ट हो जाता है। अगर हम कोई खट्टी चीज़ बनाते हैं, जैसे चटनी वगैरह या कुछ और खट्टी चीज़, आम की चटनी, तो आयरन रिएक्ट हो जाता है। तो स्टील जो है वो कार्बन उसमें ऐड हो के आयरन में उसको मजबूती देता है, कम रिएक्शन होता है, तो स्टील बनता है। जितने भी हमारे गिलास हैं, पानी बर्तन हैं किचन में, मैक्सिमम स्टील के ही बने होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जो होता है, इसमें स्टेन नहीं लगता है, मीन्स और ज़्यादा स्टील से बेटर। तो आयरन, क्रोमियम, निकल, क्रोमियम निकल इसमें दो और ऐड हो जाते हैं, और कार्बन, कार्बन तो है ही स्टील में। ठीक है, तो जो स्टेनलेस स्टील है, ये कटलरी, तो भी हमारे स्पून्स हैं, फॉक्स हैं, उनके लिए, कुकिंग यूटेंसिल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए बनता है, और घड़ियाँ जो हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं एक वॉच पड़ गई, ये भी स्टेनलेस स्टील की, इसमें ज़्यादा वो होती है, मजबूती होती है, और ज़्यादा शाइन होती है। यहाँ पे लिखा भी है स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील भी लिखा भी होता है उन पर, स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। ये तो हो गए हमारे पास एलॉय ऑफ आयरन। नेक्स्ट है हमारे पास एलॉय ऑफ एलुमिनियम। इसमें पहले बार हम बात सकते हैं, मैक्सिमम एलॉय ऑफ एलुमिनियम जो होते हैं वो एयरक्राफ्ट में यूज़ होते हैं, मीन्स एरोप्लेन के जो पार्ट्स होते हैं उनमें यूज़ होते हैं। ठीक है, पहले हमारे पास आता है ड्यूरालिन, ड्यूरा लुमिन। ठीक है, एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैंगनीज इनसे बनता है। ठीक है, एल्युमिनियम, कॉपर, मैंगनीज, मैंगनीज, और ये मेकिंग एयरक्राफ्ट पार्ट, स्पेस सैटेलाइट्स में यूज होता है ड्यूरालिन, बहुत महंगा होता है। ठीक है,
नेक्स्ट है मैग्नीनियम। मैग्नीनियम में जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम दोनों आते हैं। ये एरोप्लेन के पार्ट्स बनाने में आता है, ठीक है। एरोप्लेन के जो पार्ट्स होते हैं ना, बाहर का जो कवर होता है एल्यूमिनियम से बना होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है एल्यूमिनियम का अलॉय एल्निको, ये एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट और आयन से बनाते हैं और इससे मैग्नेट्स बनते हैं, मैग्नेट बनाने के काम आता है। नेक्स्ट जो अलॉय होता है वैसे लेड का, लेड का अलॉय होता है सोल्डर, लेड का अलॉय जो होता है सोल्डर, जो लेड और टिन से बना होता है, ठीक है। सोल्डरिंग जॉइंट्स, जॉइंट्स जॉइन होते हैं ना वेल्डिंग वगैरह में, वहाँ पर यूज़ होता है ये, ओके। नेक्स्ट जो होता है हमारे पास अलॉय ऑफ निकल, दैट इज़ नाइक्रोम। नाइक्रोम जो होता है इलेक्ट्रिकल हीटिंग एलिमेंट्स जो होते हैं ना, जैसे प्रेस है और हीटिंग जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें लगता है नाइक्रोम। ये निकल आयन क्रोमियम एंड मैग्नीज से बना होता है मिल्क। और हमारे पास मर्कुरी का अलॉय है एमालगम, ठीक है। एमालगम मर्कुरी सिल्वर टिन जिंक इन फोर एलिमेंट्स से बना होता है, जो कि टीथ फिलिंग में होता है, दांत की जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट होते हैं ना, जब टीथ की फिलिंग करते हैं अगर उसमें कीड़ा लग गया तो उसमें इसको भरा जाता है, जो कि हमारा माउथ जो होता है बहुत एसिडिक पी एच होती है माउथ में, तो वो उससे बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है, ओके। तो लेट्स टेक सम क्वेश्चन, ओके। द क्वेश्चन इज ब्रास इज द अलॉय ऑफ विच मेटल, कॉपर जिंक कॉपर टिन, आंसर इज कॉपर एंड जिंक, ठीक है। ब्रास जो ये पीतल है, ये दिया है, ये कॉपर और जिंक इसका एलिमेंट्स है। बाकी क्वेश्चंस आप खुद बना के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।